नमस्कार, आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं स्पेशल नमकीन बनाऊंगी। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ में आपके चटपटे से नमकीन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दो तरह के नमकीन की रेसिपी बताऊंगी आज मैं आपको, पोहा चिवड़ा और कॉर्नफ्लेक्स नमकीन। आप इन्हें कभी भी बना सकते हैं, वैसे भी फेस्टिव सीज़न है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम पोहा चिवड़ा या पाताल चिवड़ा बनाएंगे। इसके लिए पेपर पोहा होता है, बिल्कुल पतला सा होता है, ये देखिए इस टाइप का। ये मैंने ले लिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप बोलेंगे वहाँ तो। और ये जो है मैंने काजू बादाम और किशमिश ले लिए हैं थोड़े थोड़े से। क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये लिया है मूँगफली के दाने और कुछ पत्तियाँ हैं, करी लीव्स, और ये बारीक सेव है, नायलॉन सेव कहते हैं। और ये चने की दाल है भुने हुए। सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर ली है मैंने यहाँ पर, और इसमें तेल ऐड कर दिया है एक चम्मच। और अब जो है हमें इन्हें सबसे पहले फ्राई करना है। सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं या नट्स हैं उन्हें हमें फ्राई करके एक एक करके निकाल लेना है। तो सबसे पहले मूंगफली को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। इसमें से फटने की आवाज़ आएगी और ये जब अच्छी तरह सारी चटक जाएंगी तो हम जो है इन्हें बाहर निकालेंगे और हल्की सी रेड हो जाएगी कलर में। तो ये देखिए हो चुकी है, तो मैं इसे सबको बाहर निकाल लूँगी प्लेट में। और इसके बाद एक के बाद एक सारे नट्स को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे तेल में। और इसमें कोई तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़े ही तेल में आपका जो है पूरा नमकीन बनकर तैयार हो जाता है। तो आप बेफिक्र होकर इसे खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऑयली नहीं होता। तो अब जो है मैंने ये बादाम ले लिए हैं कुछ, ये बीच से मैंने इन्हें दो दो टुकड़े में काट लिया है। और इन्हें भी कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ऐसे रोस्ट कर लेंगे। सबको हल्का सा ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बहुत ही टेस्टी जो है ये चिवड़ा बनकर तैयार होता है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं घर के लिए, या फिर सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, या त्योहारों में भी बना सकते हैं। तो बादाम के बाद अब मैंने यहाँ पर ये ले ली है चने की दाल। ये भुनी चने की दाल है, ये जो चना हम लोग खाते हैं बिना छिलके वाला करके, उसको ले लिया है। और ये बहुत आसानी से मिल जाएगा मार्केट में आपको। तो इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे तेल में, और इसे भी हल्का फ्राई करके और निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, और तेज़ फ्लेम पर भी फ्राई नहीं करना है। और दाल हो गई है, उसके बाद मैं यहाँ काजू को भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो काजुओं को भी बीच से काट कर दो टुकड़े करके ले लिया है मैंने, और इन्हें भी अच्छे से हल्का सा गोल्डन होने जितना ही फ्राई करके निकाल लेंगे हम लोग। तो ये देखिए काजू भी हमारे हो चुके हैं। अब किशमिश को मैं फ्राई कर ले रही हूँ, और इन्हें बिल्कुल हल्का सा कर लेना है। ये हल्की सी जब पफ अप हो जाएगी या फूल जाएंगी तेल के अंदर तो हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर। मैंने गोल्डन वाली किशमिश ली है, ये देखने में अच्छी लगती है चिवड़ा में या मिक्सचर में, रेड वाली नहीं है ये। आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगी, या चाहे तो आप रेड वाली भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रेड वाली गोल्डन वाली ही यूज़ करनी है। फिर सारे जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं नट्स हो चुकी हैं। तो अब हम पोहे को थोड़ी देर इसी सेम पैन में डाल करके भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही चलाते हुए भूनना है। और ये पहले ही बहुत पतले होते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं, लेकिन हमें इसे हल्का सा और क्रिस्पी कर लेना है। तो ज़्यादा देर छोड़े नहीं, चलाते रहें हर थोड़ी थोड़ी देर में इसे, ताकि ये जले नहीं नीचे से। और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम इसे कढ़ाई में। तो कुछ मिनट्स के लिए मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, और ये अच्छे से क्रिस्पी होकर तैयार हो चुका है। अब जो है हम इसे बाहर निकाल लेंगे पैन की। थोड़ा श्रिंक भी हो गया, आप देख सकते हैं। सेम पैन में ही मैंने अब ऑयल थोड़ा सा ऐड किया है, और अब हम इसमें जो है कुछ मसाले डाल करके भूनेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर करी लीव्स या करी पत्ता जो होता है वो डाला है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है चिवड़ा में। और इसे हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर।
और उसके बाद ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना तीखा पसंद हो आपको। और उसके बाद ऐड करेंगे नमक, और इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर ही आपको ऐड करना है तेल के अंदर, और बिल्कुल हल्की फ्लेम में ही इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लेना है, और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी है। हल्का सा भून करके तुरंत ही आपको इसमें चिवड़ा ऐड कर देना है। तो मैं अब यहाँ पर जो पोहा या चिवड़ा मैंने रोस्ट करके रखा है वो ऐड कर दे रही हूँ। मेरा पोहा जो है ज़्यादा था, मैंने हाफ़ के जी पोहा लिया है, तो इसलिए मैंने इसे दो पोर्शन में करके मिक्स किया है, क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी इसे मिक्स करने में, तो दो पोर्शन में मिक्स कर लिया है। और ये देखिए कलर पूरा आ चुका है, इस पर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं चिवड़ा के साथ में। तो अब हम इसमें जो हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं और दाल और ये सब चीज़ें हैं, उन्हें हम ऐड कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं ये नायलॉन सेव या जो चिवड़ा में डालने की सेव होती है बारीक वाली, वो ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं बूंदी ऐड कर रही हूँ, तो सूखी बूंदी जो रहती है क्रिस्पी वाली, हम जिसका रायता भी बनाते हैं घर में, वो यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, उसे भी ऐड किया है। और ड्राई फ्रूट्स डाल के देखिए सारे मैंने अच्छे से मिला दिए हैं चम्मच की हेल्प से, और हमारा चिवड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, पोहा चिवड़ा या पाताल चिवड़ा। इसे आप दिवाली में ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। तो हमारा पोहा चिवड़ा बनकर तैयार है, इसे आप इंजॉय कीजिए इस दिवाली में। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग कॉर्नफ्लेक्स नमकीन या कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा। तो कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा या कॉर्नफ्लेक्स नमकीन बनाने के लिए मैंने एक पैन गर्म कर लिया है, और इसमें ही सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स को हम लोग रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये क्रिस्पी होता है ऑलरेडी, लेकिन इसे फिर भी हम हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि हमें इसका मिक्सचर बनाना है, तो हल्का सा भून लेंगे कुछ मिनट के लिए इसमें, लगभग 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर, और चलाते हुए भून लेंगे आप इसे। और ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स है ये भून करके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक अलग पैन में निकाल लिया है मैंने, और अब मैंने सेम पैन में घी ऐड किया है, और इसमें हम ऐड करेंगे जो है पीनट्स या मूंगफली। तो इसे हमें घी के साथ में ही रोस्ट करना है हल्का सा गोल्डन कलर आने तक, और अच्छे से चटक जाए तब तक। इस चिवड़ा को या नमकीन को मैंने घी डालकर बनाया है, तेल के साथ नहीं, क्योंकि इसमें हल्की सी मिठास होती है, इसलिए घी का टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है इसमें तेल की बजाय। तो ये देखिए ये हो चुकी है मूंगफली हमारी, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट जो है, अब पैन में मैंने ऐड किया है बादाम, ये बादाम कटा हुआ जैसे हमने चिवड़ा के लिए लिया था पोहा चिवड़ा के लिए, वैसे ही काट के ले लिया है। इसे भी हमें हल्का सा वैसे ही भून लेना है हल्का गुलाबी होने तक। इन्हें सभी को आप मीडियम टू लो फ्लेम में ही कुक करें, ज़्यादा तेज फ्लेम में नहीं करें, वरना ये तुरंत जल जाते हैं। तो बादाम को भून लेने के बाद अब हम इसमें नारियल सूखा हुआ मैंने कटा हुआ ले लिया है, उसे हम भूनेंगे। ये ड्राई कोकोनट है या जो गोला मिलता है मार्केट में वो है, उसे लंबा लंबा सा पतला काट कर ले लिया है मैंने, तो उसे भी हम हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। देखिए ये गोल्डन कलर आ चुका है इस पर हल्का हल्का सा, तो अब इसे बाहर निकाल लेंगे हम लोग। अब नारियल के बाद सेम पैन में ही मैंने काजू ऐड किया है, घी हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा, लगभग 2 चम्मच घी में आपका ये सारे नट्स जो है हो जाते हैं भूनकर तैयार। तो इसे भी मैंने बीच से कट करके ले लिया है 2 भाग में, और इसे भी हल्का सा गुलाबी होने तक या गोल्डन होने तक हमें भून लेना है। ये सारे नट्स जो हैं चिवड़ा में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब देखिए फिर मैंने ऐड किया है किशमिश, इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि ये हल्की भून जाए, पफ अप हो जाए।
आप देख सकते हैं कि जो है किशमिश बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बाहर निकाल लेने के बाद में अब जो है हम ऐड करेंगे थोड़ा तो अब सेम पैन में ही देखिए मैंने उसी घी में ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर कलर देने के लिए चिवड़ा को, और लाल मिर्च का पाउडर, और फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को, और नमक ऐड किया है स्वाद के अनुसार। नमक को आप बाद में भी चिवड़ा ऐड करने के बाद भी चेक कर सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, फिर बाद में भी थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हल्का सा भून लेने के बाद मसालों को हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए सारे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इन्हें मिक्स कर लेने के बाद तुरंत ही हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स जो भुना हुआ रखा है हमने वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स भी ऐड कर दिया है इसमें, और अब कॉर्नफ्लेक्स के साथ सारी चीज़ों को, मसालों को, ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। और यहाँ मैंने ये पाउडर शुगर ऐड कर की है, ये लगभग 1.5 बड़े चम्मच है, और इससे हल्की सी मिठास आती है इस चिवड़े में, इसलिए ऐड किया है क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स भी हल्का सा मीठा ही होता है, तो ये अच्छी लगती है इसके साथ में। तो अच्छे से अब मिक्स कर देंगे हम लोग इन सारी चीज़ों को। तो ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, और लास्ट में हल्का सा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। तो चाट मसाला मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, और उसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने कॉर्नफ्लेक्स नमकीन के साथ में। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें ठंडा होने के बाद में, और आप इसे आराम से 15 से 20 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखें इस दिवाली में एक बार। तो आपने देखा हमने मार्केट जैसे 2 तरह के नमकीन कितनी आसानी से घर पर ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी नमकीन की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फूड एंड मोर विद आर्ची के साथ बने रहिए।